फाइनली मैंने जुरासिक वर्ल्ड क्रॉस थ्योरी का सीजन 2 देख लिया, जो जुरासिक वर्ल्ड क्रॉस थ्योरी के सीजन 1 से थोड़ा बेटर था और थोड़ा नहीं भी। तो इसी वीडियो में इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सीन्स के बारे में बात कर लो जो सबसे अच्छे थे सीजन में। कैरेक्टर डेवलप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। केंजी का कैरेक्टर डेवलप काफ़ी अनोखा था। केंजी ज़्यादातर सभी मुश्किलों का सामना अकेले ही कर रहा होता है, बिना किसी अपने दोस्तों के। वो केंजी क्योंकि यही मानना था कि उसके डैड मर चुके हैं, उसकी मॉम भी मर चुकी है और अब उसके आगे पीछे अब कोई भी नहीं है, इसलिए केंजी अपनी मुश्किलों का सामना खुद से ही कर रहा था। पर एंडिंग में वो बदल जाता है और अपनी मुश्किलों का सामना अपने दोस्तों के संग करता है। रियाज का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा था। पूरे सीजन में रियाज और उसके फ्रेंड्स के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई गई है। जब भी केंजी को अकेलापन लगता था तो रियाज उसके गले लगकर ये दिखाती थी कि वो अकेला नहीं है और उसके सभी दोस्त उसके साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। पर सबसे ज़्यादा ब्रुकलिन का कैरेक्टर डेवलप करा गया है पूरे सीजन में। ब्रुकलिन जिस हिसाब से कॉल से बात करती है और सेंटोस से बात करती है और पैसों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उससे बिल्कुल ब्रुकलिन एक विलन की तरह हरकतें कर रही होती है। पर कहीं ना कहीं ब्रुकलिन अभी भी अच्छी है, ये तो अभी पता है। पर सीजन के एंड में ये दिखाया जाता है कि ब्रुकलिन जब तक अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तो वो किसी तरीके से घर वापस नहीं जा सकती। डायनासोर का एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा गया था पिछले सीजन से। सभी डायनासोर के सीन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। मजिंगोसॉस का सिप पर चेस सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था देखने में। तो एपिसोड 1 टोटली काफ़ी ज़्यादा डार्क था। बैकग्राउंड में जो बिजली कड़क रही, एकदम से सिप की बिजली चले जाना, डायनासोर का अपने कंटेनर से बाहर जाना, ये सब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था देखने में। इसमें डायनासोर और साथ में मॉडर्न एनिमल की भी एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जिसमें हिप्पोपोटामस और सुकोमेमस की लड़ाई के सीन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे और इवेंचुअली हिप्पोपोटामस सुकोमेमस के द्वारा मार दिए जाते हैं, जो काफ़ी चौंका देने वाली बात थी मेरे लिए। तो सीजन के अंदर सुवेना सेंटोस भी दिखाई दी, वही सुवेना सेंटोस जो जुरासिक डोमिनियम में थी। इस सीजन में टेंसोस को साउंड से कंट्रोल करने की भी चीज़ें हमने देखने को मिली। डायनासोर को कैसे लेज़र और साउंड के जरिए कंट्रोल करा जा रहा है, वो सब हमें इस सीज़न में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। पूरी सीज़न में ऐसा ज़्यादातर सुवेना को ब्रुकलिन के संग ही काम करते हुए देखा है और किसी के संग नहीं। पहली बार एनिमेटेड सीजन में डायनासोर की ऑन स्क्रीन मौत दिखाई गई, जो बिल्कुल चौंका देने वाली बात थी मेरे लिए तो और आपके लिए भी। सीजन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये कैंपस इस कहानी के मेन हीरो से तो बच जाएंगे, पर कुछ चीज ऐसे थे जिसमें तो लग रहा था कि भाई कैंपस अब मरी गए, अब नहीं बचने वाले, स्पेशली ब्रुकलिन और सेंटोस के सीन्स पर। तो कहानी सीजन 2 में ख़त्म नहीं हुई, बल्कि सीजन 3 के लिए अभी बहुत सारी कहानियां बची हुई हैं आगे। तो जो हमें सीजन 3 में अब बात कर लेते हैं थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स पर भी। सीजन में कुछ सीन्स ऐसे भी थे जो मुझे लग रहा था कि सिर्फ एपिसोड्स को लंबा करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका एक्चुअल में कोई काम नहीं था। स्पेशली कुछ डायनासोर्स को उन्होंने मॉन्स्टर के रूप में भी दिखाने की कोशिश करी। इस सीज़न में ये नहीं पता चल पाया कि ये सीज़न जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियम के संग कनेक्ट हुआ या फिर रीबर्थ के संग, कुछ भी नहीं बताया गया इस बारे में। तो हमें तो फाइनली वो सीज़न 3 को कनेक्ट करें जुरासिक मूवीज़ के संग तो अच्छा लगेगा। ओवरऑल ये सीज़न काफ़ी अच्छा फन सीज़न था। मैं इस सीज़न को 10 में से 7.5 मार्क्स दूंगा। आप बताइए आप कितने देना चाहते हैं। बस ऐसे बोलो सीज़न 3 में अपनी सभी गलतियों को सुधारेंगे और सीज़न 3 काफ़ी अच्छा रहेगा सीज़न 2 से भी ज़्यादा। तो ठीक है गाइस, आज चलो तय। अगर आप वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल बेल आइकन दबाओ और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। तब तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म करो वीडियो।